वहीं दूसरी ओर वैशाली नगर विधायक विद्या रतन भसीन ने गुरुवार सुबह डायरिया प्रभावित कैंप क्षेत्र का निरीक्षण किया। विधायक ने मृत कुश के परिजनों से मुलाकात की, साथ ही निगम अधिकारियों से चर्चा कर क्षेत्र में व्यवस्था में सुधार करने दिशा निर्देश दिए। कैंप क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप बढ़ने से हुई दो मौत के बाद लोगों में आक्रोश है, जिसके लिए स्थानीय लोगों द्वारा नगर निगम प्रशासन को जवाबदार ठहराया जा रहा है। गुरुवार को वैशाली नगर क्षेत्र के विधायक विद्या रतन भसीन, भाजपा पार्षद भोजराज सिन्हा, पार्षद पति भोला साहू सहित अन्य लोगों के साथ डायरिया से मृत हुए कुश के निवास पहुंचे। यहां विधायक ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चर्चा की और उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही अपने समक्ष नाली में ढके स्लैब को उठवाया, जिसमें बड़ी मात्रा में गंदगी देखकर तत्काल उन्होंने निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की और साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश दिए। विधायक विद्या रतन भसीन को क्षेत्र के अन्य लोगों द्वारा भी प्रदूषित पानी की समस्या से अवगत कराया गया। विधायक विद्या रतन भसीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मिले हैं मुख्य रूप से गंदगी के कारण है, बात की है और जहाँ जहाँ इक्वलिटी हुई है उनके प्रति भी काम किया जाए, उसके बारे में भी विचार किया है और सफाई खत्म नहीं पा रहे हैं। तो दुर्भाग्य की बात है, नगर निगम चार करोड़ रुपये महीना खर्च कर समय की। बहरहाल क्षेत्र के लोग प्रदूषित पानी और गंदगी की समस्या से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। इसके लिए दोषियों पर भी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।